गंगा जमुना परिसर में पापड़ बेचने वाले मनोज गुप्ता नामक युवक पर मामूली बात को लेकर आरोपी संतोष ने चाकू से वार किया। घटना की खबर चलते ही लकड़गंज पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। आरोपी संतोष फरार बताया जा रहा है, तो वहीं लकड़गंज पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। आए दिन शहर के गंगा जमुना परिसर में खून खराबा होना अब आम बात होती जा रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे मनोज गुप्ता नाम के उस युवक की, जिसने गंगा जमुना परिसर में पापड़ बेचने के लिए लाए थे। उसी दौरान गंगा जमुना परिसर के आरोपी संतोष से किसी बात को लेकर तू मैं हुई। इस बात को लेकर आरोपी संतोष ने जेब से चाकू निकालकर मनोज गुप्ता पर वार किए। जख्मी हालत में मनोज गुप्ता किसी को मदद करने की गुहार लगाता रहा। खून से लथपथ मनोज गुप्ता को आखिरकार लकड़गंज पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया। लकड़गंज पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती ही आरोपी संतोष रफू चक्कर हो गया। लकड़गंज पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी है। लकड़गंज के पुलिस निरीक्षक इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। कल तारीख 7/1/2021 को फिरियादी नामे अनवर शाह, इन्होंने हमारे यहाँ तकरार दिया कि उसका वो और उसका दोस्त मनोज गुप्ता, ये दोनों भी यशोधरा नगर के रहने वाले, ये पापड़ बेचने के लिए गंगा जमुना एरिया में आए थे। वहाँ एक सुन्नी उर्फ संतोष नाम का एक भिखारी टाइप आदमी रहता है। उसको पापड़ बेचने के कारण से कुछ उनका झगड़ा हुआ। वही झगड़ा उनकी बाचा बाची चली। बाद में वो सुन्नी उर्फ संतोष, जो थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम थी उसकी, उसने चाकू लेके मनोज के पीछे दौड़ा और मनोज के चेहरे पे और कमर के ऊपर वार किया है। मनोज गुप्ता अभी हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है और सुंगी वहाँ से घटनास्थल से फरार हुआ, उसको ढूंढना अभी शुरू है। दो पथक उसके पीछे लगे। अब देखना यह होगा कि लकड़गंज पुलिस आरोपी संतोष को कब तक गिरफ्तार करती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ संजय मेरे की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।